गाइस, वेलकम टू बिगनर्स लंच बॉक्स विद सदफ। और आज हमारे किचन में हम दही जमाएंगे, दूध की दही, दिमाग की नहीं। आप एंजॉय करें, ये बिल्कुल मीठी दही होगी और बहुत ही टेस्टी होगी। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही जमाने के लिए सबसे पहले हमने दूध को बॉयल किया, उसको थोड़ा ठंडा कर लिया। नीम गरम, 2 चम्मच चीनी, जोड़न के लिए दही 2 चम्मच और खुश्क पाउडर जी। और ये दूध बिल्कुल ही सुसुम हो चुका है, आप अपनी उंगली डाल के चेक कर सकते हैं, जलेगा नहीं। दही 1 से 1.5 चम्मच, इससे ज्यादा डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वरना ज्यादा खट्टा हो जाएगा दही। दही का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। और ये खुश्क मिल्क पाउडर है, चाहे आप नीडो का ले लें या किसी और कंपनी का। अब हम इसको नीम गरम दूध में ऐड करेंगे, दूध को, और अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ठीक है जी, ये झाग बिल्कुल लस्सी वाला झाग आपको ऊपर से दिखाई देगा जी। उसके बाद सबसे पहले इसमें चीनी जाएगी। जो लोग चीनी पसंद नहीं करते, कम पसंद करते हैं, तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन हम क्योंकि मीठी दही बना रहे हैं, तो इससे खटास भी कट जाएगी और बहुत ही मजे की दही बनेगी। ठीक है जी। अब ये देखिए, दूध जो जा रहा है इसके अंदर, आप देखिएगा ये अच्छे से ब्लेंड होने की वजह से बिल्कुल झाग वाला दूध है। ठीक है, और मिल्क पाउडर ऐड करने की वजह से ये जो दही जमेगी वो बिल्कुल क्रीमी होगी। बिल्कुल सेंटर में आप ये जोड़न वाली दही ऐड कर लें, बिल्कुल सेंटर में। उसके बाद इसको हल्के हल्के चम्मच से हिला लें। अब इसको एयर टाइट बॉक्स में बंद कर दें और इसको किसी बंद जगह में रखें। वैसे मैं माइक्रोवेव में करती हूँ, और सीजन के हिसाब से ये दही जमने में टाइम लेता है। जैसे अभी जैसे नॉर्मल सीजन होगा, तो अभी बरसात का सीजन है, अक्टूबर सितंबर अक्टूबर का महीना है, तो 5 से 6 घंटे में दही जम जाती है। और सर्दियों में ज्यादा टाइम लगता है। देखिए कितनी जबरदस्त ये दही कट के आ रही है, बिल्कुल बेहतरीन है ये दही। आप चखिए, आप खाली बच्चे इतने शौक से खाएंगे। ये देखिए, बिल्कुल आपको जो बाजार की दही होती है, डब्बे वाली दही होती कंपनी की, वो वैसी दही का फ्लेवर आएगा। अच्छा, गर्मियों में बार दफा 4 से 4.5 घंटे में भी ये दही जम जाती है। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल कीजिएगा। अक्सर ये शिकायत आती है कि हमने ना ओवरनाइट उसको डाल दिया, तो सर्दियों में तो ओवरनाइट